बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने वाले हैं पालक के पराठे। पालक के पराठे अफगानी स्टाइल में बताऊंगी मैं, जो अफगान में उसको बोलानी कहते। ये कप के हिसाब से मैं 3 हाफ कप आटा लूँगी, जो हम नॉर्मली रोटी जो डालते हैं ना गेहूँ के आटे से, वो आटा लूँगी मैं। मैं 3 डाल दी ऑलरेडी इसमें। ये 3 by 1/2 450 ग्राम है ये आटा। अब इसमें 1 टेबल स्पून में नमक ऐड करूँगी, फिर मैं पानी डाल के उसका अच्छे से डो बना दूँगी। जो अपन रोटी के लिए डो रेडी करते हैं ना पराठों के लिए, वैसा डो हम रेडी कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा डो अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। मैं इसको अब कवर करके रख दूंगी जब तक मैं आगे का प्रोसेस रेडी करूंगी। अब हम डो को कवर करके रख देंगे, अब इसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम पालक को इस तरह से कट कर देंगे। हम पालक को वो ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा बारीक भी नहीं कट करेंगे हम। पालक को कट करवा से इस तरह से हम चॉप कर देंगे उसको, जो भी बीच में मोटा है वो है वो सही हो जाए। हम एक मीडियम साइज़ का ऑनियन डालेंगे, प्याज हम इस तरह से बारीक बारीक प्याज कट कर देंगे उसकी। अब ये हरा धनिया डालेंगे हम, गार्लिक के 2 पीस डालूंगी उसमें बारीक बारीक चॉप करके। लाल मिर्ची 1/2 टीस्पून ली मैं, फुल 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, जिंजर पाउडर 1/2 स्पून, धनिया पाउडर 1/2 स्पून, जीरा पाउडर 1/2 स्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्ची हम सब इसमें। अब पालक में हम ये सब ऐड कर देंगे। आप मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये ऑलिव ऑयल है, ये मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। आप कौन सा भी ऑयल ले सकते हैं, जो घर में हम यूज़ करते हैं वो भी ऑयल ले सकते हैं हम। ये अच्छी तरीके से मिक्स करके हम अब हमारा डो रेडी हो चुका है, हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम डो को आधा आधा लेंगे। अब हम ये छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे इसको। इस तरह से राउंड राउंड सेम हम जो पराठे डालते ना उसी तरह से हम ऐसा राउंड राउंड बना लेंगे पूरे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं हमारे, मैं इस तरह से डो रेडी कर चुकी हूँ
छोटे छोटे राउंड शेप में बना के अब हम इसको सूखा आटा लगा के हम इसको राउंड बेल लेंगे। आपको जितनी बड़ी बड़ी खाने का है बड़ी बेलिए, आप छोटी खाना है छोटी बनाना है पराठा छोटा बनाइए, या बड़ा बनाने का है तो बड़ा बनाइए, आप आपकी मर्जी है। ये थोड़ा सूखा आटा थोड़ा ज़्यादा ये इस्तेमाल करना रहा बेलने के लिए, क्यों बोला था थोड़ा पालक में पानी रहता ना तो इसमें डिवाइड्स हो जाता। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से राउंड इसको बेल चुकी हूँ, इसकी थिकनेस इतनी रखी मैं, क्योंकि ज़्यादा मोटा रखेंगे तो हमें पराठे में इतना मज़ा नहीं आएगा, इसको पतला ही बेलते। मैं पूरे राउंड बेल के इसके पराठे रख दूँगी, उसके बाद फिलिंग डालूँगी उसके अंदर। इस तरह से मैं पूरे रेडी कर दूँगी फर्स्ट, आफ्टर फिलिंग ऐड करेंगे उसमें हम। अब आप देख सकते हैं मैं पूरे राउंड राउंड बेल चुकी हूँ इसको, अब हम वन बाय वन फिलिंग ऐड करके हम इसको पकाएंगे। इस तरह से हम फिलिंग डालेंगे इसमें। आपको जितना मोटा चाहिए जितना पतला चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको लो फ्लेम पे ही रखेंगे, हम ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम पराठे को। अब आप देख सकते हैं हमारा पराठा अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। इस तरह से हम फिलिंग करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फिलिंग ज़्यादा ही भरना क्यों, पराठे में अच्छी तरीके से पालक का मज़ा आएगा। हाँ, जब हम पूरे पराठे जब हम बेल लेंगे उसके बाद ही हम पालक में नमक ऐड करेंगे, नहीं बेले तक नहीं तो नमक पालक में डाले वास्ते पानी छोड़ देंगे पालक, इसीलिए हम बेले बाद से ही पालक में नमक मिर्ची जो भी ऐड करने का है जब भी ऐड करेंगे। ये पराठा में अखवानी फ्रेंड मुझे खिलाए थे इसीलिए मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारा पराठा रेडी हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये बना है पराठा हमारा, ना पानी छूटा ना कुछ हुआ। ये देखिए आप, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए, चटनी के साथ किसके भी साथ आप खा सकते हैं इसको, वैसे भी रूखा खाएंगे तो बहुत टेस्ट आएगा इसका। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई करिए। सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स करिए आप मुझे मेरी वीडियो को, और दुआओं में याद रखिए। ये कट करके